प्रभु श्री राम की तपस्थली चित्रकूट से लगभग 20 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है भरतकूप। और जब हम भरतकूप के लिए निकले तो बारिश इतनी तेज थी कि हमें लगा कि शायद हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, लेकिन प्रभु राम की कृपा देखिए कि जब तक हम सड़क पर ऑटो रिक्शा में रहे तब तक बारिश होती रही। और जैसे जैसे हम मंदिरों में पहुँच रहे थे तो हर मंदिर में उतरते ही बारिश बंद हो जाती थी। तो ये प्रभु राम की कृपा ही हम मानेंगे। और अब देखिए हम सड़क पर चल रहे हैं, बहुत तेज बारिश है और जैसे ही हम मंदिर पहुंचेंगे बारिश बंद हो जाएगी। तो अब हम देखिए पहुंच गए हैं मंदिर के बिल्कुल बाहर और ये चारों तरफ का नज़ारा देखिए, ये चारों तरफ की सड़क है और ये जो गली से आपको मंदिर दिखाई दे रहा है ये है हमारे भरतकूप का मंदिर, लेकिन ये पीछे का रास्ता है। तो हम आपको लेकर चलते हैं आगे वाले रास्ते की तरफ से। और आगे की तरफ का जो रास्ता है वहाँ पर रास्ते में आप देखेंगे कि काफी सारा मलबा सा पड़ा हुआ है, तो मतलब यहाँ पर थोड़ा सा निर्माण कार्य चल रहा है। और ये सामने जो आपको राइट हैंड पे दिखाई दे रहा है ये है हमारा भरतकूप। मित्रों हम पहुँच चुके हैं भरतकूप पे जो कि चित्रकूट में है। और यहाँ के लिए बताते हैं कि जब श्री भरत जी यहाँ पर आए थे श्री रामचंद्र जी को वापस ले जाने के लिए, तो बहुत सारे तीर्थों का जितने भी तीर्थ हैं वहाँ सारे तीर्थों का जल लेकर यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर आने के बाद जब रामचंद्र जी उनके साथ वापस नहीं गए तो वो सारे तीर्थों का जो जल था वो यहाँ पर एक कुप में डाल दिया गया था, उसी को नाम दिया गया भरतकूप। तो अंदर चलते हैं उसके दर्शन कराते हैं और यहाँ के बारे में थोड़ी सारी बातें आपसे बताते हैं। चलिए प्रवेश करते हैं और दिखाते हैं आपको भरतकूप। मित्रों ये जो भरतकूप है ये चित्रकूट के पास भरतपुर गांव के बिल्कुल पास में है और उत्तर प्रदेश के कई अन्य लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों की तरह ये हिंदू पौराणिक महाकाव्य रामायण के एक दिलचस्प प्रसंग से जुड़ा हुआ है। इसे हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी माना जाता है। और देखिए सामने दीवार पर इससे जुड़ी जो कहानी है वो चरितार्थ है। आप देखेंगे इस तस्वीर में एक तरफ भरत जी जो हैं वो जल लेकर खड़े हुए हैं सारे तीर्थों का, जब श्री राम जी जाने से मना करते हैं तो वो उसको कुएं में डाल रहे हैं, तो इस तरीके का दिखाया गया है। तो यहाँ के बारे में कहानी है कि भगवान भरत जानते थे कि उनके भाई जो हैं भगवान राम सिंहासन के असली उत्तराधिकारी हैं, तो चूंकि वे जंगल में रहते थे इसलिए वे भी जंगल में ही राज तिलक समारोह करना चाहते थे। इस दिशा में भगवान भरत ने भारत भर की सभी पवित्र नदियों और पवित्रतम तीर्थ स्थलों से जल एकत्र किया। हालांकि भगवान राम ने जंगल में भी राजा बनने से इनकार कर दिया, इसने भरत को परेशानी में डाल दिया क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने जो पवित्र जल एकत्र किया था उसका क्या करें। तो ऋषि अत्री जी की सलाह पर उन्होंने पानी को एक कुएं में डाला और उसी दिन से इसे भरतकूप के नाम से जाने जाना लगा। और ये रहा सामने हमारा भरतकूप और इस भरतकूप के सामने ही है भरतकूप का मंदिर यानी कि भरत मंदिर। और श्री भरत मंदिर के बिल्कुल पास में एक छोटा सा स्थल बना हुआ, पेड़ के नीचे काफी मूर्तियां और सब कुछ है, तो हम लाइन से एक एक करके दर्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको पवित्र इस भरतकूप के पास लेकर चलते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस कुएं में स्नान करना या इसका आचमन करना भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में स्नान करने के समान माना जाता है। तो सबसे पहले हम इनके दर्शन करते हैं और इसके जल का हम आचमन करते हैं। जय जय
और अब कराते हैं श्री हनुमान जी के दर्शन जो बिल्कुल इस कूप के पास में ही हैं। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं श्री भरत मंदिर, जो भरतकूप का मुख्य मंदिर है, उसके अंदर चलते हैं और आपको सुंदर सी मूर्तियों के दर्शन कराते हैं। और मित्रों, ये पहला मंदिर है जहां श्री भरत अपनी पत्नी के साथ आपको सामने दिखाई देंगे। बाकी किसी भी मंदिर में भरत और भरत की पत्नी की एक साथ कहीं पे भी आपको मूर्तियां नहीं दिखाई देंगी। और यही एक मंदिर बताया जाता है जहां पर दोनों एक साथ। तो ये थे यहाँ के पुजारी जी जो इस समय खाना खाने आए हुए थे यहाँ पे, और उन्होंने एक तोता छोटा सा पाल रखा था, बड़ा प्यारा सा। तो वो यही मंदिर के साइड में कमरा है, उसमें रहते हैं और यहीं पे मंदिर की सेवा करते हैं। और अब हम आपको मित्रों दिखाएंगे चार भाइयों का मंदिर, मतलब इस मंदिर का नाम ही है चार भाइयों का मंदिर। तो पता ही चल रहा है कि हमारे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भाई आपको एक साथ एक मंदिर में दिखाई देंगे। वो जो दूर से आपको पीला सा मंदिर दिखाई दे रहा, वो है चार भाइयों का मंदिर। तो अब हम चलते हैं उस तरफ, एक बार इस सारे प्रांगण को प्रणाम करते हैं और फिर हम चलते हैं आगे वाले मंदिर में, जो कि मैंने बताया जैसे कि चार भाइयों का मंदिर। और वहीं से वो पीछे वाला रास्ता दिखाई देगा जो हमने आते समय आपको दिखाया था, उसी गली से हम निकलेंगे बाहर। तो इधर एक बार प्रणाम किया, अब हम बढ़ रहे हैं आगे और अब हम देखते हैं इस मंदिर को। यहाँ मंदिर के अंदर लाइटिंग थोड़ी ऐसी थी कि हमें बहुत ढंग से मूर्तियां दिखाई नहीं दे पा रही थी, लेकिन फिर भी जैसा भी है हमने आपको दर्शन करा दिए हैं। और अब हम निकलते हैं इस गली से बाहर, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में नई जगह और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।